तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मा आलोक पे। सो दोस्तों, आज हमको अपने हेयर का ट्रीटमेंट करते करते पहुंच चुके हैं हम आज डे 30 पे, मतलब 30वां दिन फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं, जिसका आपको बहुत ज्यादा इंतजार था। और डे 1 से डे 30 तक आप वीडियो को अगर रेगुलर देख पा रहे हैं, तो आप जो मेरे हेयर की कंडीशन है, जो साइड साइड से जो मेरी रिसीडिंग हेयर लाइन जो डाउन हो रही थी, जो स्टार्टिंग स्टेज थी उसको मैं दिखाना चाहूंगा। जो मेरी स्टार्टिंग स्टेज की वीडियो थी, जो स्टार्टिंग स्टेज का जो मेरा हेयर फॉल था वो इस तरह का था, और जो डे 30 का है, जो मैंने मेडिसिन का यूज किया है और उसके बाद टैबलेट्स का यूज किया है, डर्मा रोलर का यूज किया है, और उसके साथ जो सॉल्यूशन का यूज किया है, इसका काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने है, और जो मेरी रिसीडिंग हेयर लाइन थी वो पीछे जाने की बजाय अब रुक चुकी है, और वहां पे टाइनी टाइनी हेयर्स भी आ रहे हैं। बट जो हमारी नेक डाइस से देखना थोड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जो कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया हुआ है, कम से कम आपको 2 से 3 महीने तक इसका यूज करना पड़ेगा, जिससे आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने 1 महीने तक इस जो सॉल्यूशन का यूज कर लिया है और इसके बाद हम यूज नहीं करेंगे, तो इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके बिल्कुल भी आपको रिजल्ट पॉजिटिव ना मिले, तो आपको घबराना नहीं है, कम से कम आपको 2 से 3 महीने तक इसका यूज करना है, जिससे कि आपको रिजल्ट अच्छे से मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वो ट्रीटमेंट 30 डे का, और मेरा जो सोल्यूशन है वो भी कम हो चुका है, जो मेरी टेबलेट्स है वो भी मोस्टली खत्म हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ आज के डे की जो मेरी मेडिसिन है वो बची है। अब मुझे फिर दोबारा अपना न्यू पैक लेके आना पड़ेगा, और मैं फिर से कंटिन्यूस 30 डे की वीडियो पोस्ट करूंगा। जो पोस्ट करने का तरीका हो, 1 वीक में एक वीडियो आएगी और आप उसके साथ रिजल्ट भी देखेंगे, और आपको काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट भी उसके साथ दिखेंगे। ये हमारी जो प्लेलिस्ट हो चुकी है, ये फर्स्ट हो चुकी है 1st 30 डे तक। अब उसके बाद सेकेंड प्लेलिस्ट आएगी, उसमें हम फिर दोबारा 30 डे तक अपने हेयर को अच्छे से सोल्यूशन को लगाएंगे, डर्मा रोलर का यूज करेंगे और सोल्यूशन का यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा डर्मा रोलर है, और इसका आपको यूज किस तरह करना है इसको मैंने मोस्टली आपको बताया हुआ है, और यूज करने से पहले इसको सैनिटाइज करना है, इसका भी आपको खास ख्याल रखना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस डर्मा रोलर को हमने अच्छे से कर लिया है सैनिटाइज, और सैनिटाइज कर लिया है, तो अब हमको कैसे यूज करना है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो आपको इस डर्मा रोलर को यूज करना है जहां पे भी आपके रिसीडिंग हेयर लाइन डाउन है, या तो जहां पे आपके बाल नहीं है वहां पे आपको 10 से 15 मिनट तक पहले आपको वर्टिकली उसके बाद हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से आपको चलाना है, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और आपके जो हेयर की ग्रोथ के लिए वो काफी ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो 10 से 15 मिनट तक चलिए कर लेते हैं अपने डर्मा रोलर को, अपने सर पर अच्छे से यूज कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 15 मिनट तक हमने अपने सर पर अच्छे से डर्मा रोलर का यूज किया है। अब जैसे ही हम इस डर्मा रोलर का यूज कर लें, तुरंत हमें इस डर्मा रोलर को अच्छे से सैनिटाइज करना है। जैसे ही दोस्तों आप अपने डर्मा रोलर को सैनिटाइज कर लें, तुरंत आपको अपने सॉल्यूशन को निकालना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सॉल्यूशन है हमारा। पर डे मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ ये हम अपने सॉल्यूशन को, तो इस सॉल्यूशन का यूज कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, बट आपको नहीं पता, या तो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पूरा मिले और आपको जानकारी अच्छे से मिले। ये देखिए हमारा पूरा सॉल्यूशन है, हमारा थोड़ा सा ही बचा है, ज्यादा नहीं बचा हुआ है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं थोड़ा ही बचा है। एक एमएल सॉल्यूशन हमें इससे निकालना है, एक एमएल सॉल्यूशन हमें इस ड्रॉपर से निकालना है, और अपने जहां जहां भी रिपीटिंग हेयर लाइन है वहां पे अप्लाई करना है। तो चलिए हम बोतल को ओपन कर ले रहे हैं। इस ड्रॉपर की हेल्प से हमें 1 ml सॉल्यूशन निकालना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 ml सॉल्यूशन हमने इस ड्रॉपर में ले लिया है, 1 ml, और इसको अपने सर पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने का यही तरीका है कि जहां पे आपके बाल नहीं है वहां पे आपको अच्छे से अप्लाई करना है। अच्छे से दोस्तों अपने सर पर अप्लाई करना है, कोई भी ऐसी जगह बाकी ना रह जाए जहां पे आपको इस सॉल्यूशन को अप्लाई नहीं करना है। बहुत अच्छे से अप्लाई करें जहां जहां भी आपके सर के बाल नहीं है। जब आप अप्लाई कर लें तो हल्के हल्के हाथों से मसाज करें, ज्यादा आपको रगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है सिर्फ। और इसके बाद जो आपके हाथ में जो सॉल्यूशन लगा है, जैसे आपने हाथ से रब किया है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको तुरंत अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धुलना है, जिससे कि ये सॉल्यूशन आपके हाथों से रिमूव आउट हो जाए। इसके बाद आप अगर आप ट्राई कर रहे हैं या लगा रहे हैं सॉल्यूशन को, तो आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। अगर आप इन सावधानियों को नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ना आए, और आप काफी ज्यादा नर्वस हो जाएंगे कि हाँ जो इस सोल्यूशन है ये, इसमें मेरे पैसे भी वेस्ट हो गए और ये रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं दे रहा है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कुछ सावधानियां इनको भी रखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके, हेयर फॉल का सोल्यूशन प्लेलिस्ट में जाके, मिनोक्सिडिल यूज करने से पहले क्या क्या सावधानियां रखें इन वीडियो को देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा और आपका जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव आएगा। दोस्तों ये जो रुएं हैं मेरे यहाँ पे, जहाँ पे मेरे बाल नहीं है यहाँ पे हल्के हल्के रुएं आए हुए हैं, अगर आपको तो दिख नहीं रहे हैं तो ये रुएं नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, ये मैंने टॉर्च से लगा के देखे हैं जिससे मुझे दिखे हैं। तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके लिए हम अपनी जो नेक्स्ट जो अपनी ट्रीटमेंट है Day 30 नेक्स्ट डे प्लेलिस्ट सेकेंड बनाएंगे और आपको शो करेंगे। तो इसके लिए मैं अपने हेड को शेव कराऊंगा और फिर अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यूस रखूंगा। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि 1 महीने तक इस सॉल्यूशन का यूज करेंगे और हमें जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव मिलेगा, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी रिजल्ट ना मिले, माइनर रिजल्ट मिले। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, कम से कम 3 से 4 महीने तक इसका यूज करना पड़ेगा बेस्ट रिजल्ट के लिए। साथ ही इस शैम्पू का भी यूज करना है जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो ये शैम्पू का यूज है ये अल्टरनेट में करना है, मतलब वीक में 3 से 4 बार कर सकते हैं, रेगुलर आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। मिलते हैं अब नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, Day 30 की नेक्स्ट प्लेलिस्ट में। उसमें भी हमारा जो वीडियो का शेड्यूल रहेगा, वीक में एक बार वीडियो आएगी जिसको आप देख के अपने जो रिजल्ट है वो अच्छे से एज्यूम कर पाएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।